हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और अभी मैं आया हूँ इधर घूमने। और आज जो है ना, आज का मौसम देख सकते हैं, सुबह सुबह 6:30 हो रहा है, तो इस समय का व्यू पूरी तरह से धुंध लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। और ये बाउंड्री घिराया हुआ है इस प्रकार से, देख सकते हैं। और अभी ये पिलर सब ढलाने का है, ढलाई नहीं हुआ है तो होगा। बसंत पंचमी था ना, सरस्वती पूजा, तो इसमें सब छुट्टी करके गया हुआ है इसमें का वर्कर सब। तो अभी चलते हैं दोस्तों, अभी घूम लिया और थोड़ा सा और घूमते हैं, उसके बाद में घर पर चलते हैं। और दोस्तों, कल जो है ना, कल पूरे दिन बादल लगा रहा, धुंध भी थोड़ा भी नहीं था, लेकिन ठंडा भी थोड़ा भी नहीं था, बादल मेघावनी जैसे था फिर भी। लेकिन आज जो है ना, आज बहुत ज़्यादा धुंध है और ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा कनकना रहा है, ठंड लग रहा है। तो दोस्तों, और देखते हैं धूप कैसा ही रहता है, धूप उगने की तो संभावना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल चलते हैं, अभी इधर थोड़ा सा घूम कर चलते हैं। दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ, पूजा हो रहा है दोस्तों, आज विसर्जन है सरस्वती पूजा का, तो अभी चलते हैं दोस्तों। टाइम पौने नौ हो गया है, तो सवेरे तो बहुत ज़्यादा धूंध था, ठंडा था, लेकिन अभी जो है ना, अभी धूप आ गया है और कृष्णा भी हमारे साथ चल रहा है अभी, तो चलते हैं पूजा देखने। फाइनली दोस्तों, सरस्वती पूजा आज खत्म हो गया। आज है 15 फरवरी 2024। और दोस्तों, आज भसौन उसौन था तो आज नहीं गए हैं काम पर, और भसौन भी हो गया दोस्तों, और भी आ गया हूँ घर। घर आने के बाद जो है ना, थोड़ा सा दूरा पर सफाई उफाई किए हैं, और अभी 6:45 हो रहा है, तो इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं। सूर्यास्त होने वाला है, देख सकते हैं, जोर में चला गया है। और अभी लगभग 1 घंटा से मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ दोस्तों। सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों सेल्फ हेल्प की जब किताब पढ़ते हैं तब पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं और काम करने का बहुत ही मन करता है। और एक और बात दोस्तों, जीवन जो है ना, लाइफ बहुत ही मुश्किल भारा लगता है अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, निगेटिव रहेंगे तो। अगर जीवन को आसान बनाने का जो है लिए जो है ना, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिविटी कहाँ से आएगा, तो सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ने से, और जो काम करेंगे तो वहाँ से पैसा आएगा, तो मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको हर आपका लाइफ जो है ना आसान लगेगा। लेकिन अगर और भी जो काम कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा मोटिवेशन और लाइफ को और आसान बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, और जिन भाई लोगों का ये पढ़ने नहीं आता है तो यूट्यूब पर ऑडियो बुक भी मिल जाता है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सुनने का भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी सुन सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। और ये सुनने से दोस्तों ये होगा ना कि आप काम कर रहे हैं तो दोगुना तीन गुना स्पीड में आपका काम होगा। अगर आप सेल अगर फेरी करते हैं या किसी से सेलिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे 1500-2000 का अगर सेल कर रहे हैं, तो अगर किताब सुनना या पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो यानी कि बहुत ज़्यादा सेलिंग बढ़ जाएगा, सेल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारे कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक किताब में जो है ना सेलिंग के बारे साथ साथ भी और भी बहुत तरह का इसमें नॉलेज मिलता है, जो आपको नॉलेज को इम्प्रूव करता है और आपकी ज़िंदगी को जो है ना बहुत ही आसान बना देता है। तो हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि किताब पढ़ने से जो है ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है, काम दोगुना तीनगुना स्पीड से बढ़ता है, और जो भी काम कर रहे हैं, और आपका जीवन आसान हो जाता है। तो दोस्तों, लगभग 1 घंटे से मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है अभी किताब पढ़ने के बाद। अब पूरी तरह से मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, जो चीज़ के बारे में नहीं मालूम था वो भी मालूम पड़ गया है। तो चलिए अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे। और मुझे जो है ना अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, 2-4 पन्ना ही पढ़ता हूँ, उसी में मन भर जाता है। मुझे एक ऐसा हैबिट बनाना है कि मेरा जब भी खाली समय रहे उसमें मैं किताब में ही घुसा रहूँ, तो ये मैं हैबिट डालने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, एक हैबिट में मैं सक्सेस हो गया हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ना
मैं चाय सुबह सुबह पीता था तो वो छोड़ने का आदत जो है ना नहीं छोड़ पा रहा था, कितना भी कर रहा था तो। लेकिन लगातार एकाएक मैंने लगभग 15 दिन से जो है ना चाय पीना छोड़ दिया है। एक बार जब छोड़ दिया तो उसको हाथ भी नहीं लगाया अभी तक, तो 15 दिन से छोड़ा हुआ हूँ और उसको दोबारा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर चाय पीने का जब मन होता है तो वहाँ पे चाय के बदले में खाना खा लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी किताब पढ़ते हैं थोड़ा सा और उसके बाद में अभी तो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा समय और है अंधेरा होने के लिए, उसके बाद नीचे चलेंगे तब पढ़ेंगे। दोस्तों अभी टाइम हो गया है 6:30 और अभी हो गया है अंधेरा पूरी तरह से। आइए आप लोगों को दिखाते हैं बाहर से, क्योंकि दोस्तों अंधेरा हो गया अभी देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों। हमारा सजेस्ट यह है कि आप लोग, या मैं तो पढ़ ही रहा हूँ जो मुझसे पढ़ा जा रहा है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए जो है ना किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो सुन करके यूट्यूब पर या और कहीं से और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉलेज किताब पढ़कर मिलता है ठोसकर, वो कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा सजेस्ट है कि किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि खुद में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और किताब ज़रूर पढ़ें। तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा सा किताब। दोस्तों चलिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना बुक स्टोर दिखाते हैं, कितना छोटा अभी बुक स्टोर है अभी इस समय का। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी इतना ही हमारे पास बुक स्टोर है, मात्र 30 के आसपास पूरा बुक होगा, छोटा से लेकर 12 तक सारा बुक हमारे पास 30 के आसपास होगा। तो यही हमारा किताब है और कुछ ही इसमें से पढ़े हुए हैं कुछ ही, और बहुत सारे नहीं पढ़े हुए हैं। तो अब जो है ना अब हैबिट बनाएंगे, टाइम बनाएंगे कि हमको इस समय में और आधा घंटा ही पढ़े, 1.5 घंटा ही पढ़े, लेकिन प्रतिदिन पढ़ना है किताब। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारी किताब को कंप्लीट करेंगे बारी बारी से पढ़ करके। और तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अंधेरा भी हो गया है, लाइट भी अभी कट चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आप लोगों का क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे जीवन लाइफ को देख करके आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट मिले और कुछ करने को और भी हौसला मिले। तो चलिए आप लोगों को हमारे वीडियो से क्या देखने को मिलता है, इंटरटेनमेंट या सीखना क्या आप लोगों को अच्छा लगता है, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।